बहुत इजी और बहुत सिंपल और बाज़ार से अच्छी मिठाई आपको ये मिलेगी। देखिए ये हमने घर में रखे हुए फटे दूध से बनाया है ये स्वीट, और इस स्वीट को बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। फ्रेंड्स आज मैं बता रही हूँ आपको ये छेना से स्वीट बनाना, जिसके लिए मावा लिया है। ये मेरे मार्केट का मावा है, कद्दूकस कर लिया। ये मैदा है, ये दूध है, और ये शुगर है, और ये है हमारी केसर। केसर ऑप्शनल है, आप पसंद करते हैं तो डालिएगा, नहीं तो नहीं। और इलायची डाल सकते हैं। और ये मेरा छेना है, ये देखिए। खुद से जब दूध फटता है तो ये एकदम से चिकना और बड़ा सॉफ्ट होता है। और वैसे भी जो मेरे घर में जो दूध आता है वो भैंस का दूध आता है, तो इसलिए ये और भी चिकना है। तो आज हम इस फटे दूध के छेने से हम स्वीट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। पहले हम इसको चाशनी जितनी मर्जी आप बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। तो पहले मैं चाशनी बनने रख देती हूँ गैस पर, इतने चाशनी बनती रहेगी, इतने हम बाकी का प्रोसेस करते हैं। और चाशनी में ही हम डाल देंगे केसर। अब सबसे पहले हम इसको साइड में रख देते हैं, मैदा को, और ये दूध को साइड में रख देते हैं। ये उतना ही यूज़ करना है जितनी हमको ज़रूरत है। तो सबसे पहले छेना और इसको हम बैश कर लेंगे दोनों चीज़ों को, और इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अभी देखिए हमने रफली इसको मिक्स किया है। रफली हमने इसलिए मिक्स किया है ताकि हम इसको में देखें कि इसमें मॉइस्चर कितना है, क्योंकि जब भी छेना बनता है छेना में मॉइस्चर ज़्यादा होता है और छेना की ही स्वीट्स ज़्यादा बनती हैं। पनीर तो लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन छेना की ही स्वीट बनानी चाहिए, तभी वो परफेक्ट बनती है। पनीर की भी मैंने रेसिपी डाली हुई है, तो ये छेना का यूज़ करने से देखिए इसमें जो सूखापन होता है वो उसमें नहीं है। तो इसलिए पहले मैंने अलग से छेना और मावा को मिक्स किया, ये रीज़न था अलग से मिक्स करने का। मिक्स के पहले हमें ये देखना है कि हमें इसमें दूध की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ड्राई होता है, ड्राई तभी होता है जब हम पनीर यूज़ करते हैं, क्योंकि छेना से ही ये स्वीट बनती है। काफ़ी लोगों को नहीं पता छेना और पनीर में क्या डिफरेंस है, इसकी भी मैं वीडियो आपको शेयर करूँगी कि छेना और पनीर का डिफरेंस क्या है, छेना कैसे बनता है और पनीर कैसे बनता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। चलिए अब हम इसमें मैदा यूज़ करते हैं। मैदा हम किस लिए कर रहे हैं, हम इसमें बाइंडिंग के लिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप ध्यान रखिए, अभी मैंने दूध मिक्स नहीं किया, दिखाया ज़रूर है, दिखाया इसलिए कि अगर ड्राई मिक्सचर होगा तो ही हम दूध को यूज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे फटा हुआ दूध है, छेना है, तो इसलिए शायद हमें दूध की ज़रूरत ना पड़े। और ये प्रोसेस हमारा 5 मिनट में रेडी हो जाता है। वैसे मैदा मिलाने की रेशियो यह है कि अगर 250 ग्राम मावा पनीर है तो आप इसमें 50 ग्राम 60 ग्राम इसमें मैदा मिलाना है, उससे कम मिलाएंगे तो फट जाएंगे। बस एक बार ऐसे चेक कर लीजिए, इसमें लम्स तो नहीं है। चेक करने का ये सबसे अच्छा तरीका है लम्स का पता करने का। अगर कोई लम्स होगा तो वो चिकना हो जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा इसमें लम्स है या नहीं है। छेने में हमेशा मॉइस्चर होता है, और ऐसा कभी नहीं होगा कि छेने में मॉइस्चर ना हो। अब हमारा ये डो रेडी है। देखिए गैस पे हमारी ये चाशनी उबल रही है। चाशनी बनाना मैंने पहले भी आपको बता रखा है, और इसमें थोड़ा सा बस 5 मिनट से ज़्यादा नहीं उबालनी है हमें चाशनी। 5 मिनट ऐसी चाशनी रखनी है, ज़्यादा पानी वाली नहीं रखनी, कि चीनी घुलने के बाद 5 मिनट उबाल लीजिए बस स्लो गैस पर। चलिए आगे हम प्रोसेस करते हैं। ये मैंने देसी घी लिया है, क्योंकि मीठा बनाना है तो देसी घी तो बनता ही है। इसमें हम एक पेड़ा डालकर देख लेंगे, अगर ये फटता है तो इसमें और मैदा मिलाएंगे, अगर नहीं फटता है तो ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हमारा ये ठीक है। अगर आप 1 किलो का बनाते हैं तो 200-250 ग्राम मैदा उसमें पड़ेगी। जितना आप मावा पनीर लेते हैं उसका 1/4 हिस्सा आपको मैदा डालना है। बस इसी तरीके से सेक लेंगे, और इसके लिए थोड़ा सा डीप कढ़ाई लेनी है, फ्लैट कढ़ाई नहीं लेनी है, और इसको हल्का सा हिलाते चाहिए, और ये लो फ्लेम पर है, एकदम लो फ्लेम पर।
ताकि अंदर सब सिक जाए अच्छे से। इसी तरीके से सारे पेड़े बनाकर, साइज अपने ऊपर डिपेंड है कि कितना साइज रखना है, और चाशनी में डालते जाएंगे। चाशनी मैंने बंद कर दी है, ठंडी हो रही है, और गुनगुनी चाशनी में डालना है, तेज गर्म चाशनी में नहीं डालना है। एक बार हल्का सा मीडियम फ्लेम कर देना है ताकि अच्छे से सिक जाए, और नहीं तो कच्ची लेयर रह जाती है। जब लेयर सेट हो जाए तो मीडियम फ्लेम कर दिया मैंने। बस इसी बात का इसमें ध्यान में रखना है, डालते जाइए और इसको कढ़ाई को हिलाते जाइए। कड़छी लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हिलाते रहने से एक तो ये है कि साइज़ एकदम गोल बनेगा। जब मैं सेक रही थी तो इसमें लास्ट में थोड़ा लाइट चली गई थी, तो मैंने बिना लाइट के ही सेके थे, और देखिए अच्छे से चाशनी भर गई है। और ये कितना अच्छा सॉफ्ट बना है। ये घर में दूध फट गया था और उसका छेना बन जाता, तो उसे सूट बनाई है। बहुत अच्छा टेस्टी है। कुछ तो ये खाली पूरी कढ़ाई भर गई थी, ये काफ़ी सारे बने थे। बहुत इजी और बहुत सिंपल और बाज़ार से अच्छी मिठाई आपको ये मिलेगी।